विकास आयुक्त हथकरघा वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तथा आयुक्त एवं निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मंत्रालय कानपुर द्वारा आयोजित स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन महानगर के राजकीय जुबली इंटर कॉलेज बख्शीपुर के प्रांगण में किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर सीताराम जायसवाल ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के पश्चात महापौर सहित अन्य लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा दूर दराज से आए बुनकरों से वार्ता कर उनके उत्पाद और बिक्री की जानकारी भी हासिल की। इस मौके पर सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग राम बड़ाई, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के एनपी मौर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनी के संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल तथा सहायक आयुक्त हथकरघा राम बड़ाई ने बताया कि 14 दिवसीय स्पेशल हैंडलूम एक्सपो प्रदर्शनी में 30 से अधिक स्टॉल निःशुल्क लगाए गए हैं। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य हथकरघा पर बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की सीधी बिक्री एवं हथकरघा वस्त्रों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए ध्यान आकर्षित करना है, क्योंकि जब हथकरघा वस्तुओं की बिक्री होगी वही बुनकरों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और वे स्वावलंबी बनेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग राम बड़ई और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, ऑल का समय था आशीर्वाद और उसका मिला यही रखेंगे, बहुत बड़ी चीज है, अभी हो जाएगा सर। क्या बाजिए, कटिए कटिए, ताली बजाइए भाई लोगों। इसीलिए कि देखिए कोई बात नहीं, कौन सा आम है? ये खादी का खादी ऋषि आ गया खादी और हाँ तेरी काट मुबारकपुर वगैरह बनारस वगैरह ये पर मऊ में कोई नहीं मुबारक हाथ सकता है। अच्छा भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय नई दिल्ली से प्रदर्शनी स्वीकृत है, जिसमें आयुक्त एवं निदेशक महोदय की स्वीकृति जो उनके माध्यम से प्राप्त हुई है वो 14 दिन के लिए प्रदर्शनी की स्वीकृति मिली है। यह प्रदर्शनी जो है 26 तारीख से चल करके ये 9 दिसंबर तक ये प्रदर्शनी चलेगी। इसमें 30 स्टॉल लगाने की स्वीकृति है, लेकिन प्रतिभागियों की मांग पर 2-4 स्टॉल बढ़ गए हैं, ठीक है। और इसमें अदर स्टेट जैसे बिहार, ठीक है, बिहार और अन्य 1-2 स्टेट हैं, उससे भी प्रदर्शनी की मांग बढ़ी थी, तो उनको भी यानी उनके उत्पाद को भी यहाँ ले आकर के जोड़ा गया है। बाकी उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं, बनारस, मऊ, आपके गोरखपुर, ये मेरठ, मुरादाबाद, आपके सीतापुर, इनके जितने उत्पाद हैं उसको एक जगह पर ले आने का काम इसलिए किया गया है कि राज्य सरकार की मंशा है कि इनके पास जो है डंप स्टॉप न रहे। ये जो कहते हैं कि हमारी जो है स्टॉक यहाँ पड़ी हुई है, बिक्री नहीं होती है, तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से अपने आने स्टॉक को ले आएँ, बेचें, एक दूसरा भी उसको देखे कि वो आने मऊ का प्रोडक्ट क्या है, बनारस का प्रोडक्ट क्या है, झांसी का प्रोडक्ट क्या है, गोरखपुर का प्रोडक्ट क्या है, ये सोचने समझने का जो उनको मौका मिलता है तो ये अपने क्षेत्रों में भी उसका विस्तारीकरण करते हैं। मुख्य बात ये होती है कि ये इसमें बिचौलिए जो है ख़त्म हो जाते हैं, ये सीधे अपने बाजार मांग के अनुसार से जो उत्पादकता का दाम होता है उस पर अपना यानी बिक्री का जो यानी लाभांश जोड़ करके सीधे बेच देते हैं, बिचौलिए खत्म हो जाते हैं, इनके रोजगार के माध्यम जो है प्रशस्त हो जाते हैं। ये जो सरकार की मंशा है यही मंशा है, और इस मंशा के अनुरूप आज प्रदर्शनी जो है यहाँ इस स्थान पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमति से लगाई गई और माननीय हमारे महापौर जी के कर कमलों से इसका जो है उद्घाटन किया गया। मैं भी आम जनता से, आम जनमानस से, सम्मानित जनमानस से, गोरखपुर की जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, इस प्रदर्शनी में आए उत्पाद को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें, इसका लाभ उठाएँ। कितने बजे तक रहेगा ये प्रदर्शनी जो है? 11 बजे से चल करके 8 बजे रात तक चलेगी। आज गोरखपुर में
हथकरघा उद्योग के उपायुक्त राम बड़ाई जी के नेतृत्व में गोरखपुर के ऐतिहासिक जुबली इंटर कॉलेज में डीएम साहब के परमिशन लेकर हथकरघा उद्योग की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य स्टेट से यहाँ पर उत्पाद कारीगर स्वयं लेकर आए हैं, जो हथकरघा उद्योग से अपने सामान को तैयार करते हैं। मैंने घूम करके सभी स्टॉलों पर देखा है, इनकी क्वालिटी बहुत ही उच्च कोटि की है और इनसे जो आय होगी सरकार के मंशा के अनुसार एक कमज़ोर लोगों तक पहुंचेगी। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि लोकल को वोकल बनाया जाए। तो प्रदर्शनी एक मील का पत्थर साबित होगी और मैंने देखा है कि उत्पाद बहुत ही उच्च कोटि के हैं और रेट बाज़ार से काफ़ी कम है। मैं यहाँ के नागरिकों से अपील करता हूँ कि इस प्रदर्शनी में आवें और इसका लाभ उठावें और कुछ ना कुछ सामान ज़रूर खरीदें। मैंने भी कुछ सामान खरीदा है, इसलिए खरीदा है कि गरीबों की इसमें जो आय होगी उनके डायरेक्ट उनके घरों में जाएगा, उनके खातों में जाएगा। और प्रयास हमारे अधिकारी का बहुत ही सराहनीय है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है।